दीपावली मनाने के लिए धनतेरस से ही बड़ी संख्या में लोगों ने जमकर मिठाइयां और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के अलावा पूजा सामग्री खरीदी, तो वहीं शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में स्थापित मां लक्ष्मी के कपाट धनतेरस से ही खुल गए, जहां मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना हो रही है। शनिवार को भी बाजारों में लोग खास तौर पर पटाखा खरीदने निकले। दीपावली पर्व पर आतिशबाजी न हो ऐसा कैसे संभव है? लोगों के इसी शौक को देखते हुए पटाखा कारोबारी नए नए वैरायटी के पटाखे लेकर अपने अपने दुकान टाउन हॉल मैदान में सजाए हुए हैं। इस बार चाइनीज पटाखे बाजार में नहीं दिख रहे। छोटी दीपावली के दिन पटाखा खरीदने के लिए दोपहर बाद से लोगों की भीड़ उमड़ी, तो देर शाम तक लोग खरीदारी में लगे रहे। बच्चे अपने माता पिता के साथ पटाखे की दुकान में गए और पसंद का पटाखा खरीदा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पटाखा कारोबारी फहीम ने कहा, तो मार्केट की पोजीशन बहुत ख़राब है, जो हर साल के बनिस्बत इस बार डाउन है। अभी तक मार्केट चली नहीं रही है, कुछ बिक ही नहीं रहा, डाउन है। और हर साल हम लगाते हैं मगर पिछले साल के बनिस्बत इस बार कम है। किस तरीके के पटाखे रखे हैं आप, किस रेंज के? रेंज क्या, वो वही है जो अमूमन हमेशा रहता है, कम। और बहुत से चीज़ों पर बैंड हो गया है, जैसे सरकार ने बैंड लगाया उसको नहीं रखा गया है, मना है। 1600 कितने रुपए से कितने रुपए तक के है भैया? कितने रुपए से क्या, कोई 30,000 का माल रखे, कोई 10,000 का रखे, कोई 50,000 का, इससे ज़्यादा क्या रख सकता है।